मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव मोड पर है। बीते 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। ऐसे में सागर, दमोह, रायसेन और छतरपुर जिलों में तेज बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों तक बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन 13 सितंबर से बारिश में कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार सागर जिले के शाहगढ़ में 300 mm, दमोह के पथरिया में 280 mm, रायसेन के उदयपुरा में 254 mm और छतरपुर के बक्सवाहा में 244 mm बारिश दर्ज की गई। यहां भयंकर बारिश हुई। इसके अलावा बालाघाट, जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, नर्मदापुरम, शिवपुरी और दतिया जैसे जिलों में भी भारी बारिश दर्ज की गई है। बालाघाट के बाईहर में 193.6 mm, जबलपुर शहर में 190.4 mm और सिवनी में 185.2 mm बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर शिल्पा आप्टे ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में 3 अलग अलग सिस्टम सक्रिय है, जिसके कारण अगले 24 घंटों तक कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी, भिंड और सागर जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 10 अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में जल भराव और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कल नॉर्थ ईस्ट एमपी पे जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया था, वह उसी जगह डिप्रेशन बन गया है। मानसून ट्रफ है वो बीकानेर, सीकर, शिवपुरी डिप्रेशन के सेंटर से जाते हुए पेंड्रा रोड, रोडकेला से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रहा है और दक्षिण गुजरात के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इन तीन सिस्टम्स के कारण आज 12 तारीख को शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर और भिंड जिले में बहुत भारी वर्षा, अत्यंत भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। वहां रेड अलर्ट दिया गया है। जहां ये 10 जगह बहुत भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है, वहां ऑरेंज अलर्ट दिया गया है और बाकी जगह येलो अलर्ट दिया गया है। 13 तारीख को जो एमपी के नॉर्थ की तरफ जिले है, शोपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, वहाँ ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। वहाँ बहुत भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है और बाकी जगह येलो अलर्ट दिया गया है। उन जिलों में मध्यम से भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। 13 तारीख से वर्षा की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में 3 मौसम सिस्टम एक्टिव हैं। पहला, पूर्वी मध्य प्रदेश में बना डिप्रेशन उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। दूसरा, मानसून ट्रफ बीकानेर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला है। तीसरा, दक्षिणी गुजरात में सर्कुलर सर्कुलेशन एक्टिव है, जो तटीय इलाकों में बारिश का कारण बन रहा है।